नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों को होम्योपैथिक एग्रावेशन की एक केस शेयर करने वाला हूं और कैसे उसे कंट्रोल किया गया बाद में ये भी बताने वाला हूं जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि इतना डेंजर होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन और खास तौर से ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए जो लोग ऐसे ही अपना प्रॉब्लम के लिए कोई वीडियो देख कर कोई आर्टिकल पढ़कर या फिर कोई डॉक्टर का लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके एक लाइन में अपना प्रॉब्लम के बारे में बताकर उनसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाने वालों में से जो लोग है उन लोगों को खास तौर से, ये वीडियो देखना चाहिए, कि इस तरह से चैनल का मैसेज आया था और ये मैसेज क्या आया था आप पढ़ सकते हो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ तो ये जो बंदा है की इशू है जहाँ इनका हेड ऑफ दीनस में एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट थी एक झनझनाहट सी फील हुआ करता था इन्हें वहां पर हाथ से टच करने पर और इस प्रॉब्लम को इंग्लिश में सेंसिटिव ग्लांस कहा जाता है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग यूट्यूब पे मेरा कुछ वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है और ये सेंसिटिव ग्लांस की प्रॉब्लम के लिए मैंने उन विडियो में कुछ होम्योपैथिक होम्योपैथिक्स के नाम भी बताया है लेकिन उन मेडिसिन को लेने के लिए बिल्कुल भी किसी को नहीं कहा गया है साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ये जो मेडिसिन बताया जा रहा है ये एक अनुमान के तौर पर बताया गया है इसके अलावा और भी ढेरों मेडिसिन होम्योपैथी में सेंसिटिव ग्लांस के लिए जो की यूज की जाती है एज पर पेशेंट सिम्टम्स एज पर पेशेंट मोडालिटी तो ये जो पेशेंट है इन्होंने मेरा ही वीडियो देखकर नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन को पोटेंसी में सुबह शाम यूज करना शुरू किया और लगभग इन्होंने महीना तक इस दवा को यूज किया फिर इनको अपना लिंग की हेड में यानी ग्लांस में अजीब अजीब तरह की चीजें इनको महसूस होने लगा इनका जो ग्लांस है वो फ्लैसिड कंडीशन में ही बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो चुका है और उसमें स्वेलिंग आ चुका था और साथ में इंटेंस इचिंग यानी खुजली इनको अपना ग्लांस में शुरू हो गया था और पूरी ग्लांस में लाल लाल कलर के छोटे छोटे दाने आ चुके थे और उन दानों में से चिपचिपा पानी जैसा आना भी शुरू हो चुका था और जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करने के लिए टॉयलेट जाता है तो उसको अपना ग्लांस में बहुत ज्यादा पेन भी होता है और इसी के साथ पेशेंट का अंदर एक बेचैनी भी थी जो कि बहुत ही लाजमी है तो इस तरह का इतना खतरनाक एग्रवेशन इनको हुआ और जब इनका प्रॉब्लम बढ़ गया तब इनको आया डॉक्टर का याद और फिर इन्होंने ने ये प्रॉब्लम मुझसे ही शेयर करना सही समझा इनका कहना था कि आपका फलाना दवा खाकर मुझ में यह प्रॉब्लम डेवलप हुआ है तो क्यों ना आप ही सीना बैरिस का एंटीडोट मुझे बता दे जिसे लेकर मैं ठीक हो जाऊँ तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा की एंटीडोट का नाम किताब देख बिल्कुल बताया जा सकता है लेकिन किताब में दिया गया एंटीडोट हंड्रेड काम करेगी इसका कोई गारंटी नहीं है मैंने मेरे करियर की शुरुआती दिनों में बहुत बार ट्राई किया है लेकिन इससे कुछ खास परिणाम निकल कर नहीं आता है अब यहाँ सवाल ये आता है कि तो फिर सही तरीका क्या है एंटीडोट जानने का तो दोस्तों एंटीडोट जानने का सबसे सही तरीका यह होता है कि आप का ले। जो जो को नोट डाउन करना चाहिए और उन्ही सिम्टम्स को नोट डाउन करके फिर रेप करना चाहिए और फिर जो मोस्टिम मेडिसिन निकल कर आता है उस मेडिसिन को अगर हाई में पेशेंट को दिया जाए तो फिर पेशेंट का अंदर जो जो प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हुआ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है उसका इंटेंसिटी उस जाएगी तो दोस्तों, जैसे कि में कोई भी फिक्स नहीं होता है, है। पेशेंट जो सिम्टम्स लेकर आता है उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही एंटीडोट भी दी जाती है एंड दिस इज द करेक्ट वे टू एंटीडोट द बैड इफेक्ट्स ऑफ एनी होम्योपैथिक मेडिसिन ना कि आप रिलेशन का चैप्टर खोलकर बैठ जाओ

का एक सिंगल डोज दिया गया आज से तीन दिन पहले और कल ही उनका रिप्लाई आया पे आप पढ़ सकते हो कि वो क्या लिखते हैं है है। है वाला है तो दोस्तों आपने देखा की होम्योपैथिक एग्रावेशन कितना खतरनाक होता है और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे है जो की सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वो ये सोचकर करते हैं कि होम्योपैथी में तो

तक आप किसी एक अच्छी डॉक्टर के गाइडेंस में उस मेडिसिन को यूज कर रहे हो अब इस केस की अगर बात करें ये जो पेशेंट है ये अगर मेरे पास पहले आए होते तो मैं इनको बिल्कुल बिल्कुल भी सीना नहीं देता क्योंकि मैं इनका केस केस टेकिंग टेकिंग करता और टेकिंग में बिल्कुल ऐसी कुछ बातें होती जहाँ अलाउड नहीं है वो मुझे केस टेकिंग के दौरान बिल्कुल पता चलता तो मैं इनके लिए सीना बैरिस को पहले ही साइड कर देता चिकित्सा प्रणाली को अगर आप अपना हाथ में लेंगे तो फिर इस तरह या फिर इससे भी बुरा चीज आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे